सोलन नगर निगम शहर के हर वार्ड में मिनी पार्कों का निर्माण करने जा रहा है। इसकी शुरुआत शहर के वार्ड नंबर 8 से की गई। यहां जनाजी रोड पर मिनी पार्क बन रहा है। इसे वार्ड नंबर 8 के साथ लगते वार्ड नंबर 5 के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। सोमवार को मेयर पूनम ग्रोवर, डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और वार्ड नंबर 5 के पार्षद कुलभूषण गुप्ता ने काम का निरीक्षण किया। इस मौके पर मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि शहर के बीचों बीच बन रहे इस मिनी पार्क से दो वार्ड के लोगों को सुविधा मिलेगी। यहां पर सुबह से शाम तक धूप लगती है, खासकर बुजुर्गों और बच्चे यहां आकर समय व्यतीत कर सकते हैं। यहां सेल्फी प्वाइंट बनेगा जहाँ से बैकग्राउंड में शूलिनी माता मंदिर और शहर दिखता है। उन्होंने कहा कि इस पार्क के निर्माण करीब 7.50 लाख रुपए की लागत आ रही है। इसका काम जल्द पूरा होने वाला है। मिनी पार्क बनाने की शुरुआत अपने वार्ड नंबर 8 से की गई है। सभी 17 वार्ड के पार्षदों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में मिनी पार्क के लिए सरकारी जगह की तलाश करें। इसके लिए बजट आया है। जगह मिलने पर सभी वार्डों में ऐसे ही पार्क बनाए जाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर मिनी पार्क बनाया है, ये हमारे हमने सभी 17 वार्डों में सभी पार्षदों को कहा है कि पार्क की ग्रांट हमारे पास पड़ी है। छोटे छोटे पार्क जो मिनी पार्क हैं प्रत्येक वार्ड में बनाने सुनिश्चित किए थे, पर जहाँ पर सरकारी लैंड है वहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें मैंने जो शुरुआत है ये वार्ड नंबर 8 में की है। यहाँ मिनी पार्क बनाया है और यहाँ वार्ड 5 और 8 दोनों एडजॉइनिंग है, तो यहाँ पर लोगों को, दोनों वार्डों के लोगों को सुविधा मिलेगी। जैसे यहाँ पर सीनियर सिटीजन आकर बैठने की काफ़ी दिक्कत थी, यहाँ सुबह से शाम तक की धूप है, वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं और सेल्फी पॉइंट यहाँ पर माँ शूलिनी का बिल्कुल पूरा दृश्य जो है यहाँ से दिखता है। तो पूरा जो वार्ड नंबर 8 है वो पूरा यहाँ से दिखता है। तो इसलिए हमने ये जगह जो है यहाँ पर जो सुनिश्चित की थी कि यहाँ पर जो है मिनी पार्क बनाया जाए और लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाए। इसमें लगभग जो है हमारी जो है 7-7.5 लाख की लागत से ये जो पार्क है तैयार हुआ है। अन्य वार्डों में कब तक ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा? हमने सभी वार्डों में सभी पार्षदों को बोला है कि अपने अपने वार्ड की डिमार्केशन वहाँ पे करवाएं, पटवारी से जगह सुनिश्चित करें। अगर निगम की लैंड है तो अति शीघ्र जो है काम वहाँ शुरू करवा दिया जाएंगे। सोलन नगर निगम शहर के हर वार्ड में मिनी पार्कों का निर्माण करने जा रहा है। इसकी शुरुआत शहर के वार्ड नंबर 8 से की गई। यहां जनाजी रोड पर मिनी पार्क बन रहा है। इसे वार्ड नंबर 8 के साथ लगते वार्ड नंबर 5 के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। सोमवार को मेयर पूनम ग्रोवर, डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और वार्ड नंबर 5 के पार्षद कुलभूषण गुप्ता ने काम का निरीक्षण किया। इस मौके पर मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि शहर के बीचों बीच बन रहे इस मिनी पार्क से दो वार्ड के लोगों को सुविधा मिलेगी। यहां पर सुबह से शाम तक धूप लगती है, खासकर बुजुर्गों और बच्चे यहां आकर समय व्यतीत कर सकते हैं। यहां सेल्फी प्वाइंट बनेगा जहां से बैकग्राउंड में शूलिनी माता मंदिर और शहर दिखता है। उन्होंने कहा कि इस पार्क के निर्माण करीब 7.50 लाख रुपए की लागत आ रही है। इसका काम जल्द पूरा होने वाला है। मिनी पार्क बनाने की शुरुआत अपने वार्ड नंबर 8 से की गई है। सभी 17 वार्ड के पार्षदों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में मिनी पार्क के लिए सरकारी जगह की तलाश करें। इसके लिए बजट आया है। जगह मिलने पर सभी वार्डों में ऐसे ही पार्क बनाए जाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर मिनी पार्क बनाया है, ये हमारे हमने सभी 17 वार्डों में सभी पार्षदों को कहा है कि पार्क की ग्रांट हमारे पास पड़ी है। छोटे छोटे पार्क जो मिनी पार्क हैं प्रत्येक वार्ड में बनाने सुनिश्चित किए थे, पर जहाँ पर सरकारी लैंड है वहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें मैंने जो शुरुआत है ये वार्ड नंबर 8 में की है। यहाँ मिनी पार्क बनाया है और यहाँ वार्ड 5 और 8 दोनों एडजॉइनिंग है, तो यहाँ पर लोगों को, दोनों वार्डों के लोगों को सुविधा मिलेगी। जैसे यहाँ पर सीनियर सिटीजन आकर बैठने की काफ़ी दिक्कत थी, यहाँ सुबह से शाम तक की धूप है, वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं और सेल्फी पॉइंट यहाँ पर माँ शूलिनी का बिल्कुल पूरा दृश्य जो है यहाँ से दिखता है। तो पूरा जो वार्ड नंबर 8 है वो पूरा यहाँ से दिखता है। तो इसलिए हमने ये जगह जो है यहाँ पर जो सुनिश्चित की थी कि यहाँ पर जो है मिनी पार्क बनाया जाए और लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाए। इसमें लगभग जो है हमारी जो है 7-7.5 लाख की लागत से ये जो पार्क है तैयार हुआ है। अन्य वार्डों में कब तक ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा? हमने सभी वार्डों में सभी पार्षदों को बोला है कि अपने अपने वार्ड की डिमार्केशन वहाँ पे करवाएं, पटवारी से जगह सुनिश्चित करें। अगर निगम की लैंड है तो अति शीघ्र जो है काम वहाँ शुरू करवा दिया जाएंगे।